हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थोर का, जो मैंने बनाया था हैमर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक इफेक्ट। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का बनाया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह का इफेक्ट मैंने जो बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि किस तरह से बनाया था, उसका जो है ट्यूटोरियल आप दीजिए। तो सबसे पहले बता दूँ कि इस तरह का वीडियो बनाने में मुझे जो है लगभग मतलब काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैंने गलतियाँ की थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो सारा गलती जो है कौन कौन सी गलती है जो मैंने की, आपको नहीं करना है, आप और भी बेहतर तरीके से मतलब कम टाइम बचा सकते हैं। अगर वो गलती अगर आप नहीं करेंगे जिस तरह से मैं बताऊँगा उस तरह से करेंगे, तो आपका जो बहुत ज़्यादा जो है टाइम बच सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो जितने भी इफेक्ट मैंने डाले हैं, तो लगभग दो तीन इफेक्ट जो है वो अलग से ट्यूटोरियल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर इफेक्ट में जो है बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा मतलब समझाना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, क्या क्या चीज़ आपको करना है, और हर प्रोसेस में जो है एक स्टेप है। तो वो सारा स्टेप जो है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। और एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि ये जो वीडियो है मैंने काइन मास्टर में नहीं, एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाया है। और इसके लिए जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट आपके पास है तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अलावा जो है कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ज़रूरी है आपके पास, कुछ कुछ प्लगइन, जैसे कि सेबर जो है वीडियो को पायलट का सेबर है, उसके बाद में वीडियो को पायलट का 3D एलिमेंट जो है पैक है, वो ये सारा चीज़ जो है आपको चाहिए एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अलावा। उसके अंदर जो ये प्लगइन्स है, ये सारे चीज़ चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये यहाँ अगर बात किया जाए तो ये जो है मेरा वीडियो शूटिंग वाला है, शूटिंग वीडियो है, तो इसको देख लीजिए। कुछ इस तरह से जो है मैंने शूटिंग किया था, और इसमें जो मेरा मेजर गलती था, जिसके लिए मुझको जो है मैं रीशूट तो नहीं कर सकता था, मगर इसको जो है करेक्ट करने के लिए मुझको जो है काफ़ी सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, और बहुत सारा टाइम जो है इस पर मुझको लग गया। तो पहला जो मिस्टेक था ये था कि आप देखेंगे तो मेरा कैमरा जो है वो स्टिल नहीं है, वो हिल रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने वर्कशॉप में था और मुझको मतलब सडन दिमाग में आया कि एक बनाना है, और जो अपने मेरे जो ये फ्रेंड है वो आए हुए थे, तो चलो वो काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मेरे लिए भी कोई एक वीडियो मतलब एडिट कर दो। तो मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बनाते हैं। और उनको मैंने ये जो किया, मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था, तो मैंने जो है थोड़ा सा स्टिल रखने की कोशिश की, फिर भी जो है कैमरा वो हिल रहा है। तो आपको जो है ये गलती नहीं करना है, आपको जो है कोई भी ट्राईपोड वगैरह जो है वो आपको रख के कैमरा स्टैंड का यूज़ कीजिए, और अपने वीडियो को आप शूट कीजिए। दूसरी चीज़ ये कि मैंने जो ये वीडियो शूट किया, तो कोई ग्रीन स्क्रीन मैंने यूज़ नहीं किया था। तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रीन स्क्रीन में जो है उसको शूट कीजिए, और कोई भी बैकग्राउंड जो है जिस प्लेस में आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ जो है आप उस जगह का जो है एक स्टिल इमेज आप ले सकते हैं, या फिर कोई वीडियो भी ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हुआ, ठीक है। और उसके बाद में तीसरी चीज़ जो है, यहाँ बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये इस पार्ट में देखिए, तो यहाँ जो ट्रैक्टर एक है ये मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए तो गाड़ी जो है मोटर है वो भी जो है वो मतलब एक्टिव है, चल रहा है। तो ये चीज़ नहीं रहना चाहिए। आप जहाँ भी अगर मान लीजिए बिना ग्रीन स्क्रीन के आप अगर शूट कर रहे हैं, तो आपको जो बैकग्राउंड जो है वो स्टिल रखना है। तो बैकग्राउंड आपका स्टिल ही रहना चाहिए, कि पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता जाता ना हो, या फिर कुछ कुछ चीज़ ऐसा नहीं हो, स्टिल लोकेशन हो, ठीक है। तो वो जगह रहेगा तो आपको बहुत ईजी होगा। तो इसमें जैसा अगर गड़बड़ी अगर करें, तो इसको जो है ये हमने रिवर्स में शूट किया है सब, ठीक है। तो इस तरह से हमारा शूटिंग है, पहले जो है हमारा ऊपर से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद में जो है इस तरह से जो है हमने शूट किया था, ये है हमारा शूटिंग। तो इसको जो है हम रिवर्स जो है इसमें इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे। अगर आप मोबाइल पे रिवर्स आप बनाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन है, रिवर्स एप्लीकेशन जो है आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से अपनी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। मगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट में मैंने रिवर्स किया है, तो इसको रिवर्स करने के लिए सिंपल इस वीडियो जो का जो लेयर है उस पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है टाइम पे जाएंगे, तो यहाँ आपको देखिए सेकंड लाइन में टाइम रिवर्स लेयर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको इनेबल कर देंगे और हमारा वीडियो जो है वो रिवर्स हो गया है। तो इस वीडियो को सबसे पहला जो ट्यूटोरियल है वो है किस तरह से आप अपनी वीडियो को रिवर्स करेंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है, आप लोगों से काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा, जिसको नहीं पता है तो उनके लिए ये हेल्पफुल है, ठीक है। ये जो है हमारा वीडियो रिवर्स हो गया, तो इसको जो है मैंने क्या किया, सबसे पहले वीडियो रिवर्स करने के बारे में इसको मैंने जो है एक्सपोर्ट कर लिया।
क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया कि इसके बाद जो है और भी जो इफेक्ट वगैरह करना था तो उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसके लिए भी मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हुआ। तो इसको जो है मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो है कॉम्पोजिशन में जाइए, यहाँ से नीचे ऐड टू रेंडर क्यू, और उसके बाद में यहाँ जो है यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है फॉर्मेट AVI में है, तो आप जो है क्विक टाइम में सिलेक्ट कीजिए और यहाँ जो है फॉर्मेट के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से जो है वीडियो कोडेक जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये वाला जो है ये MP4 का जो है हाई रेजोल्यूशन वाला है, ये MP4 का है। तो इस सिलेक्ट में इस फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। आपके पास अगर क्विक टाइम नहीं है, नहीं शो होता है, तो क्विक टाइम किस तरह से जो है आप इंस्टॉल करेंगे वो भी जो है आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको ओके कर देना है और यहाँ से जो है थॉर का जो है ये जो है टाइटल है आपको चेंज करना है, और यहाँ से जो है आप फोल्डर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने फोल्डर सिलेक्ट किया था यहाँ से अलग से, क्योंकि इस पर हर प्रोजेक्ट पे मेरे जो है उसका प्रोजेक्ट फाइल पूरा जो है मैं सेव करता हूँ, तो जैसे कि मैंने इस फोल्डर का नाम रखा था थोर एमआर इफेक्ट, तो इस पे प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था। तो यहाँ जो है मैंने जो है उसका टाइटल वगैरह दे के इसको जो है सेव कर दिया, सेव कर देना है और उसके बाद मैं रेंडर पे कर देना है। तो ऑलरेडी मैंने जो है रेंडर करके रखा है, तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और इसको भी जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और ये जो है ये मेरा रेंडर वीडियो है, यानी कि ये मैंने एक बार जो है एक्सपोर्ट कर लिया है, मेरा वीडियो जो रेंडर हो गया है। तो अब जो है मेरे को इस पर आगे का काम करना है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि मेरे शूटिंग में कुछ गलतियाँ हुआ हैं, तो उस गलतियों में एक चीज़ ये था कि मेरा बैकग्राउंड में यहाँ जो ये है ये आ रहा था। अब इसको प्ले करेंगे तो ये देखिए ये आपको जो है रिवर्स में नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ भी देखेंगे तो ये देखिए ये बाइक जो है ये रिवर्स में आ रहा है। तो ये सारा चीज़ अगर आप भी देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये कैसा है, ये कुछ मतलब काम जो है ये उतना फिनिशिंग मतलब डाउट आएगा। तो इस चीज़ को जो है ध्यान देना है, और इस चीज़ को करेक्शन करने के लिए भी मुझको काफ़ी टाइम लगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये भी एक ट्यूटोरियल है, समझ लीजिए कि आपको बैकग्राउंड में करेक्शन करना है किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या एक जो अपना जो शूटिंग वीडियो था, जो ओरिजिनल वीडियो था जो मैंने शूट किया था, उसको इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, और यहाँ से जो है सबसे स्टार्टिंग फ्रेम में यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो है स्टिल है, तो इसको मैंने क्या किया यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइम में जाने के बाद में यहाँ हम जो है फ्रीज फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। फ्रीज फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद में हमारा जो ऊपर का लेयर जो है वो फ्रीज हो गया, यानी कि यहाँ कुछ मूवमेंट नहीं है। ठीक है, ये मूवमेंट हो गया, और उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ से पेन टूल लेंगे और उसके बाद में जो भी एरिया हमको मतलब फिक्स रखना है तो उसको हम इतना एरिया में शायद होगा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने सिलेक्ट कर लिया। सो गाइस, यहाँ हम जो है लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ जो है मैचिंग हो गया। इसके बाद में दोस्तों हमको करना ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको मूव करूँगा ना तो इस जगह में देखो ये स्टिल है, मगर यहाँ जो है मेरा कैमरा जो है वो हिल रहा है क्योंकि मैंने कोई स्टैंड यूज़ नहीं किया। तो इसको भी जो है मैचिंग करना था, ट्रैकिंग करना था। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपके सामने आता है कि ट्यूटोरियल नंबर टू, किस तरह से आप कैमरा ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको जो है इसका आई बटन को प्रेस करके हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और इस वाले लेयर को सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा ये है। अब हमको जो है यहाँ पे कैमरा ट्रैक करना है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप यहाँ इस वाले लेयर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ट्रैक कैमरा है, ट्रैक मोशन है। ठीक है, तो हमको जो है ट्रैक कैमरा नहीं करना है, हमको करना है ट्रैक मोशन। मोशन पे क्लिक करें और उसके बाद में हमको जो है यहाँ रोटेशन और स्केल ये दोनों पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो है हमको बैकग्राउंड में ऐसा पोजीशन जो है सिलेक्ट करना है जहाँ पर जिसको हम ट्रैक कर सकें। तो यहाँ मैंने जो क्या किया, यहाँ देखिए आप ब्लैक सा डॉट देख रहे हैं, यहाँ एक डॉट है, तो ये जो है सही पोजीशन मुझे लगा कि इस जगह पे जो है हम इसको मतलब अपने कैमरा को जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस वाले लेयर को हम लेके यहाँ इसका जो पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से जो है हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं।
दोस्तों इसके बाद में जो है हमको दो ऑप्शन है यहाँ से, जो है आप फ्रेम बाय फ्रेम जो है ट्रैक को चेक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो प्ले करके आप ट्रैक को जो है कर सकते हैं इस तरह से ट्रैकिंग। ठीक है, इस तरह से जो हमारा जो है पूरा ये दो पॉइंट जो है इसको कैमरा ट्रैक हो जाएगा। सो गाइज, हमारा जो दूसरा ट्यूटोरियल इसमें इंक्लूड है वही है कैमरा ट्रैक। तो किस तरह से कैमरा ट्रैक करना है और इस तरह से जो हमारा कैमरा ट्रैक हो गया है, इसके बाद में दोस्तों हम जो है लेयर पे क्लिक करेंगे और न्यू पे क्लिक करके एक हम जो है नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है नल ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हमारा ये कैमरा ट्रैक हो चुका है, यहाँ से एडिट टारगेट पे क्लिक करना है और यहाँ लेयर में हमको सिलेक्ट करना है नल ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो नल ऑब्जेक्ट ये सिलेक्ट हो जाएगा और इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसके बाद में हमको अप्लाई पे क्लिक करना है और एक्स एंड वाई पोजीशन को जो है इसको ओके करना है। तो इस तरह से जो दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो कैमरा ट्रैकिंग है, इस सारा डेटा जो है जैसा स्केल, रोटेशन, पोजीशन वगैरह जो तीनों चीज़ें सिलेक्टेड हमने की सिलेक्ट किया था, तो इसका सारा जो डेटा है वो नल ऑब्जेक्ट में फीड हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, हम पूरे लास्ट पोजीशन में चले जाएंगे जहाँ से हमने कैमरा ट्रैक किया था। ठीक है, और ये हमारा पोजीशन है और इसके बाद में हम ऊपर वाले लेयर को ऑन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है हम दो तरीके से इसको जो है लिंक कर सकते हैं। पहला तो ये है, ये हमारा वीडियो है, इसको जो है हम यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए नल ऑब्जेक्ट वन हो गया, यानी कि ये जो फॉलो करेगा हमारे नल ऑब्जेक्ट को, इसका जो पोजीशन है नल ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा। या फिर यहाँ जो है इसको अगर, चलिए मैं कैंसिल करता हूँ, या फिर यहाँ से भी क्लिक करके आप नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये वीडियो लेयर है, यानी कि जो हमने यहाँ से पेन टूल की मदद से कट किया था, वो फॉलो करेगा हमारे इस जो है नल ऑब्जेक्ट का, जो कैमरा ट्रैक का जो पूरा डाटा जो नल ऑब्जेक्ट पे फीड है, तो उसके साथ जो है ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो है हम इसको अगर करें तो ऑलमोस्ट जो है ये इस पोजीशन के साथ में, देखिए इसके साथ में ये मैच हो जाएगा। चलिए एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ स्टिल फ्रेम है, क्योंकि मैंने जो है कैमरा ट्रैक की मदद से इस ये जगह को जो है फिक्स कर दिया। इसके साथ साथ और एक चीज़ भी आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको जो सिलेक्ट किया है, इसको आप डबल एम प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड पे, तो यहाँ पे जो है आपको मैक्स जो मास फेदर का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मास फेदर जो है इसको आप 2-3 पिक्सल लग सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करें, मगर कर सकते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा, ये हमारा जो एज है ये थोड़ा सा फेदर हो जाएगा, मतलब थोड़ा अलग हुआ। ये ऑप्शन भी है, कर सकते हैं, मगर इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो में अपना जो है दूसरा जो ट्रैकिंग कैमरा का जो है ट्यूटोरियल वो भी कंप्लीट हो गया। तो ट्रैकिंग कैमरा के बारे में भी और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, ट्रैकिंग कैमरा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से जो मैंने इस चीज़ को फिक्स किया, अब जो है तीसरा चीज़ जो था फिक्स करना था मेरे को, वो था हमारा जो ये है हैमर। तो ये किसी भी तरह से थॉर का हैमर तो है नहीं, तो थॉर का हैमर हमको जो है सेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले था कि मेरे को इस वाले जो हैमर है इसको रिप्लेस, मतलब रिमूव करना है। तो दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने जो है ऑब्जेक्ट यानी कि हैमर को रिमूव किया था, और उसके बाद में किस तरह से मैंने थॉर का हैमर जो है उसको ऐड किया था। तो वो ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा इसके बाद में, वो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर मैंने अपलोड कर दिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल के वीडियो में देख सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है यहीं रखता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लंबा वीडियो जो है किसी को पसंद नहीं, शायद इतने लंबे वीडियो कोई देखता नहीं है। तो आज का वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।